अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एफके कुजींस। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्पेशल तवा चिकन, या फिर आप इसको तवा चिकन भी कह सकते हैं। इट्स एन ईजीएस्ट एंड यूनिक रेसिपी एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइस बाय एफके कुजींस। तो चलें, मेरे साथ बने रहिए इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दीजिएगा। यहाँ पर तवा चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिकन के टिक्का पीसेस। चार अदद मैंने यहाँ पे टिक्का पीसेस दिए हैं। इसके अंदर मैंने देखें कट्स लगा लिए हैं, मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर रच जाए। सबसे पहले मैरिनेट करेंगे इस चिकन को। हम ले रहे हैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पे एक टेबल स्पून के बराबर। दही जो है वो अच्छी तरह से फेंट के मैंने ली है 1.5 कप जो है मैंने डाली है इसके अंदर। सॉल्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के जो सीड्स होते हैं उसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके क्रश करके डाला है 1.5 स्पून। चिली पाउडर जो है दैट इज 1 टीस्पून। क्यूमिन सीड्स रोस्टेड एंड क्रश दैट इज ऑल्सो 1 टीस्पून। जीरा पाउडर भी मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून से। खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। रेड चिली क्रश्ड मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर क्रश्ड यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। फूड कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ले रही हूँ, आप रेड भी ऐड कर सकते हैं। इसको जो है वो अच्छी तरीके से आप चिकन के जो पीसेज हैं, टिक्का पीसेज हैं, उस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करें। मतलब अंदर बाहर अच्छी तरीके से आप उसको अप्लाई करने के बाद देखें मैं किस तरीके से सुराख के अंदर जितने कट्स थे उन सब में अप्लाई करके मैं इसको कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चले मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ये जो मेरे मैरिनेटेड चिकन के पीसेज हैं इसको मैं 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करना शुरू करूंगी। आप जो है ये जो तेल आपने इसके अंदर डाला है, जब ये बहुत मीडियम गर्म हो जाए, मतलब इतना तेज गर्म के अंदर आप इन पीसेस को ऐड नहीं कीजिएगा। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के अंदर जो है वो आपने ऐड करने हैं। सारे पीसेस को आप ऐड कर लीजिए। उसके साथ साथ ये जो इस मसाले की ग्रेवी बनती है यानी जो मसाला होगा इसको भी आप पूरी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। अभी इस स्टेज पे पानी इसमें ऐड नहीं कीजिएगा। जब आप इसको ऐड कर लेंगे सारे पीसेस को और ग्रेवी को, तो ऐड करने के बाद आप इसको जो है वो 2 से 3 मिनट तक साटे कीजिएगा। और साटे करने के बाद आप इसको ढक कर 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको कुक कीजिएगा। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। हमें चिकन को सिर्फ और सिर्फ 20% कुक करना है। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस स्टेज के ऊपर हमें चिकन को सिर्फ और सिर्फ 20-30% कुक करना है, यानी चिकन को हमें कम्प्लीटली टेंडर नहीं करना इस लेवल के ऊपर। आप चिकन को जो है वो अब जब आपके 15-20 मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद आप जो है वो इस चिकन के पीसेस को जो है वो फ्राई कर लीजिएगा टिल यहाँ पर एक गोल्डन लेयर ना आ जाए। देखिए जिस तरीके से मैंने पहले एक साइड को जो है वो फ्राई कर रही हूँ, मैं एक साइड को जो है वो टर्न करूँगी और इसको जो है वो मैं फ्राई करूँगी। जब तक वो मेरी वो वाली साइड फ्राई हो जाएगी, इसको कम अज़ कम भी समझें 2 से 3 मिनट तक मैं जो हूँ वो पहले एक साइड को फ्राई करूँगी, फिर जब मेरी वो साइड फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं उसकी दूसरी साइड को फ्राई करूँगी। देखिए अब मैं टर्न कर रही हूँ इसको, और टर्न करने के बाद जो है वो मैं अब इसकी जो सेकंड साइड है उसको जो है वो मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी और इसको जो है वो मैं गोल्डन होने तक पकाऊंगी। देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये जो है इसका कलर, इस तरीके की इसका कलर आ जाएगा। अब जब कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा, एक साइड पर प्लेट में निकाल लें। अच्छा, इसके अंदर जितना भी मसाला, जो मसाला भी होगा वो भी आप इसको निकाल लीजिएगा। उसका बहुत अच्छा टेस्ट, एक जो है ना समझे एक मज़े का टेस्ट जो है वो उसका आता है। अब जब हमारे पास जो भी तेल बचा था उसी तेल के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे एक चॉप्ड ऑनियंस ऐड कर रही हूँ। चॉप्ड टोमेटोज है मेरे पास 4 अदद। मैंने टमाटर्स को जो है वो बारीक चॉप किया हुआ है। यहाँ पे नमक मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। साथ में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस मैं 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर ले रही हूँ। ग्रीन चिली जो है वो चॉप करी हुई है मैंने 3 से 4 अदद, इनको मैं ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको जो है वो कम से कम भी 2 से 3 या 4 मिनट तक इसको मैं साटे करूंगी। देखिए मेरी फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर दी है, हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो फिलहाल मैं इसको जो है वो साटे कर रही हूँ। जब मेरे पास 5 से 10 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो है वो जो मैंने अभी चिकन पीसेस फ्राई किए थे उन चिकन पीसेस को मैं यहाँ पर ऐड करूंगी।
साथ साथ जो मेरा उसका मसाला था जो कि फ्राइड मसाला था वो भी मैं इसके अंदर जो है साथ साथ ऐड कर रही हूँ। ये देखिए चारों पीसेस को मैं यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ। इसके साथ क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो हमने अभी प्याज और टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने भी मसाला बनाने की वो करा है ऐड करा है उसको हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऐसे उठाकर थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो हम डाल देंगे। और डालने के बाद आप इसको जो है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक कर कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक आप जो है वो इसको पकाइए। सिर्फ उसे 5 से 10 मिनट के बाद चले मिलते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो है देखें उसने जो है वो अपना पानी जो है टमाटर का क्योंकि अपना पानी होता है, चिकन का अपना पानी होता है, तो मसाला जो है वो आपस में कम्प्लीटली तौर पे भुनाई के स्टेज पे आ चुका है। अब आप इसकी मसाले की जो है वो इतना इसको पकाएं कि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ये देखें इसका जो टमाटर का अपना पानी है वो बिल्कुल रिड्यूस होकर इसका जो है बिल्कुल मसाला सा छोड़ देगा। अब मैं क्या करूँगी कि फाइनल स्टेज पर मैं इसकी जो है कोयले की धुनी दूंगी। रेड हॉट कोयला लेकर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ गरम। अब जैसे ही आपने ऑयल डालेंगे इसका जो है धुआं उठेगा कोयले का, आपने इसको ढक कर बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जब तक चिकन आपकी कम्प्लीटली टेंडर ना हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है। देखिए मेरी चिकन जो है वो टेंडर हो चुकी है। यहाँ पे मुझे लगा है तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम, आप अपनी चिकन के हिसाब से देख लीजिएगा कि वो कितना टाइम लेती है टेंडर होने में, क्योंकि हर कंट्री की हर सिटी की जो है वो चिकन का टाइमिंग्स अपने हिसाब से होते हैं। मेरे यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर जो है वो टेंडर हो चुकी है। चले अब हम एक काम करते हैं, इसको हम एक अच्छे से सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ क्योंकि ये तवा है, तो मैं यहाँ पर जो है वो एक तवा स्टाइल का जो है वो एक फ्राई पैन ले रही हूँ। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो मेरे पास जितनी मेरी जो मेरा मसाला तैयार हुआ है चिकन का और ये जो एक ग्रेवी सी मैंने अभी इसके अंदर तैयार की है इसको जो है वो मैं एक फ्राई पैन के अंदर निकाल लूँगी। मेरे पास जो भी मसाला है उसके अंदर ये देखें कितना मज़े का इसका लुक आ रहा है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे इसके साथ जो है वो अदरक सबसे पहले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अदरक बारीक चॉप करके आप जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए। साथ में यहाँ पर जो है वो जो आपके पास चिलीज़ हैं उनको ऐड कर लें। मैं यहाँ पर रेड चिलीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश धनिया यानी कि कोरिएंडर आपका बिल्कुल फ्रेश फ्रेश धनिया जो है वो आप इसको उसके ऊपर ऐड कीजिए। लेमन के पीसेज आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक्चुअली डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने खाने प्रेजेंट करें तो डेकोरेशन पे फोकस किया कीजिए बहुत। जब आपकी टेबल पे वो डिश जाए तो लोगों का दिल करे कि यार वाओ, लोगों का दिल करे उसको खाने का, तो यू नो डेकोरेशन पे फोकस ज़्यादा रखा करें अपनी डिशों के ऊपर भी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे देखें अब मैं जो हूँ वो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर ऑनियंस काटे हुए हैं बिल्कुल गोल गोल से प्याज काट के, उसको जो है वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। तो हेयर यू गो द तवा चिकन, स्पेशल तवा चिकन इज रेडी टू सर्व। आप इस स्पेशल तवा चिकन को पराठों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। इसको मजीद और इन्हेंस करने के लिए आप इसको सिजलर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल गरम गरम इसको सर्व कीजिए। जैसे ही आप पकाएं, आप चाहें तो इसको तवे के अंदर भी पका सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने जो है वो इसको पहले पैन में पकाया है, देन आई हैव ट्रांसफर टू द तवा। तो इसको जो है वो बिल्कुल सिजलर आप सर्व कीजिए तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये खाकर। प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इन लिंक पे क्लिक करके आप मेरी मजीद वीडियोस देख सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कैसी लगी रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।